दोस्तों इस पर जो वीडियो लेके आए उस पर टेनिस के रिगार्डिंग क्रिकेट के रिगार्डिंग है भाई, वीडियो बनाना जरूरी हो गया था क्योंकि न्यूजीलैंड ने क्या रिकॉर्ड जीत दर्ज किया है इंडिया के लिए भाई सब बहुत ही अच्छी खबर नहीं है। इंडिया एक बार फिर से अपना पहला टेस्ट हार चुकी है, ये बहुत देर से हम देख रहे हैं कि पहला टेस्ट हार रही है। जब इंग्लैंड टूर की थी 2021 में तब भी पहला टेस्ट हारी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर की ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट अपना जीती, इंग्लैंड एक बार फिर से टूर की थी 2024 में तब भी अपना पहला टेस्ट जीती। तो इंडिया का ये पहला टेस्ट हारना कंटिन्यू रह रहा है, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो काफ़ी अनवांटेड है क्योंकि न्यूजीलैंड कभी टेस्ट मैच जीती नहीं है 36 सालों से। अभी तक इंडिया में न्यूजीलैंड सिर्फ 3 ही टेस्ट मैच जीती है आज के मिलाकर को, इससे पहले सिर्फ 2 बार जीती थी और लास्ट जीती थी 36 साल पहले। देखा जाए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है और काफ़ी सारे रिकॉर्ड मेरे मन में है भाई साहब, सारे हैं। क्या रिकॉर्ड है भाई साहब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहली टेस्ट अवे विन हासिल की है न्यूजीलैंड ने। एक बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती भी थी, अवे विन कोई नहीं थी, बट बढ़िया प्रदर्शन फाइनली कंटिन्यू करना शुरू कर दिया न्यूजीलैंड ने, वो जिसके चलते भाई इंडिया को हरा दिया उसी की धरती में। फिलहाल दोस्तों इस बार इंडिया ने काफ़ी अनवांटेड रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जैसे कि एक बार बहुत ही लोएस्ट स्कोर वो भी अपनी धरती पे 46 रन मात्र, इससे पहले था लोएस्ट स्कोर 46 नहीं था और इस बार 46 स्कोर लोएस्ट स्कोर गया है। तो देखा जाए थर्ड लोएस्ट स्कोर है इंडिया का, सबसे पहले 36 रन, सेकंड हुआ था 42 रन और थर्ड हो गया 46 रन। फिलहाल दोस्तों मैं मैच पे बढ़ते हूँ, मैच में क्या हुआ, किसने टॉस जीता, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर न्यू यूजर हो तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए। हाँ दोस्तों बढ़ते हैं भाई साहब, क्या मैच हुआ, रोहित शर्मा के ओवरकास्ट एडिशन थे, पहले दिन तो भाई स्टंप ही रहा, सेकंड डे आया ओवरकास्ट एडिशन थे, सारे बोल रहे थे भाई बॉलिंग लेंगे, इनफैक्ट एवरी कमेंटेटर, बट रोहित जैसे टॉस जीते रोहित ने बोला नहीं वी विल लुक टू बैट फर्स्ट। भाई साहब सारे हैरत हैरान, सारे बोल रहे कि भाई शुरू के एक दो घंटे होंगे अच्छे से खेलेंगे उसके बाद नहीं, बट भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। आते ही रोहित शर्मा और हुए 2 रन पे, विराट कोहली किंग कोहली जो बोलते हैं भाई साहब एक बार फिर से खराब परफॉर्मेंस, 0 पे आउट हुए। उसके बाद आए सरफराज खान 3 या 2 बार, वो भी आउट हुए। कॉम्बे ने खतरनाक कैच पकड़ा था, पंत आए, पंत ने थोड़ी साझेदारी जरूर बनाई बट जायसवाल फिर उसके बाद आउट हुए। राहुल 0 पे एक बार, राहुल भी आउट हुए, जडेजा भी 0 पे आउट हुए, अर्ली ही बॉल पे आर अश्विन भी आउट हो गए 0 पे, कुलदीप यादव के साथ पंत खेल रहे थे, फिर यादव भी आउट हुए, पंत भी आउट हुए और लास्ट में बुमराह आउट हुए। तो देखा जाए 5 बल्लेबाज हमारे 0 के स्कोर पे गए हैं, जिसके चलते भारत ने अपना लोएस्ट स्कोर एट होम और थर्ड लोएस्ट स्कोर 46 रन रजिस्टर किया। देखा जाए बॉलर्स की ओर से 5 विकेट एक बार फिर से मैट हेनरी भारत के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए, 2019 तक अभी तक बोले नहीं और 2024 में एक बार फिर से कर दिया मैट हेनरी ने परेशान। 4 विकेट विलियम ओरुटकी ने लिए, काफ़ी अच्छे गेंदबाज और हाइट का अपना भरपूर फायदा उठाया टीम सोदी, 8 विकेट काफ़ी टाइट लाइन रही, 6 ओवर मात्र 8 रन दिए। दूसरी ओर देखा जाए आई बाई न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो लग रहा था कि क्या बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगी, ओपनिंग ठीक ही हुई, ज़्यादा अच्छी भी नहीं हुई, बट टॉम लैथम जल्दी शिकार बने। उसके बाद आए कि कौन है बल्लेबाजी करने, विलियन डैट कॉन्वे के साथ पार्टनरशिप भी अच्छी हुई बट विलियन को चलता किया, आउट किया। उसके बाद आए रचिन रविंद्रा ने तो भाई साहब क्या बढ़िया प्रदर्शन किया, कॉनवे के साथ बल्लेबाजी करने आए थे, कॉनवे आउट हो रहे। उसके बाद डैरी मिचल आए, मिचल भी आउट हुए बट रविंद्रा अपनी जगह पे रहे, ब्लंडल आए वो भी आउट हो गए, फिलिप्स आए वो भी आउट हो गए, मैट हेनरी आए आउट हो गए। देखा जाए एकदम 8 विकेट गिरता गया, 142 पे दूसरा आउट हुआ था और 233 पे 7वां आउट हुआ था। देखा जाए 6 आउट लगातार 100 रन के अंदर हो गए, ऐसा बोल सकते हैं अगर पुराने स्कोर को प्लस किया जाए तो भाई साहब, बट ऐसा देखा जा रहा था कि अब इंडिया ज़्यादा उन्हें मार्जिनल एरर नहीं देगी, ज़्यादा लीड नहीं देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई लीड आए टीम सोदी, बल्लेबाजी क्या बम्बार बल्लेबाजी की भाई, जब चौके छक्के की जड़ी ला दी रचिन रविंद्रा, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करने पड़े। रचिन रविंद्रा ने 134 रन जड़े और दूसरी ओर टीम सऊदी ने मात्र 73 गेंदों में 65 रन जड़ डाले। सिराज ने फाइनली उनका विकेट लिया टीम सऊदी का, जड़े जाए 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 3 विकेट, सिराज 1, बुमराह और अश्विन 8 विकेट, सिराज ने 2 विकेट लिए सॉरी। देखा जाए काफ़ी बड़ी बल्लेबाजी की, जहां हम सोच रहे थे 300 के अंदर समिट जाएगी वहां 402 स्कोर कर दिया है। ये जो 100 रन की पार्टनरशिप एक्स्ट्रा है ना, 100 रन जो एक्स्ट्रा है ये इंडिया को हार्मफुल पहुंचा सकते थे। शुरुआत हुई भारत की शुरुआत रोहित और जायसवाल की, इस बार बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे पर जायसवाल इस बार आउट हुए, रोहित के साथ आए कोहली,
कोहली शुरू में नर्वी लग रहे थे बट उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कंटिन्यू करना शुरू कर दी। बट रोहित शर्मा डिफेंस की थी बहुत, बॉल धीरे टप्पा टप्पा खाते हुए बोल्ड हो गए। उसके बाद है सरफराज खान, काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी अच्छा समय जा रहा था और जैसे ही समय सबसे अच्छा जा रहा था डे थ्री के अंतिम दिन सबसे बुरी खबर देखने को मिली। वो क्या था, लास्ट बॉल में ग्लेन फिलिप्स की, जिसमें विराट कोहली नेट लग गए और आउट हो गए। जैसे ही वो नेट लगा, इंडिया की जो होप्स थी कि मैच को वो टर्न अराउंड कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। ऐसी बात नहीं कि बाकी प्लेयर नहीं थे, बट जिस तरह के वो प्लेयर हैं उनसे माना जाता है कि भाई 200 मारे जाए, सरफराज भी 200 मारे। उसके बाद आए सरपंत, लग रहा था इंजरी हुई थी बट नी टैप पे अच्छी बल्लेबाजी की, सरफराज ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। अब जिस तरह से बल्लेबाजी इंटी हो रही थी लग रहा था कि कोहली की आउट होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे ही सरफराज खान ने 150 रन मारे उसके बाद आउट हुए तो विकेटों की झड़ी लगी। एक बार ऋषभ पंत 100 के अंदर फिर से 90 का शिकार हुए, 99 पे आउट हुए। राहुल इस बार मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, 12 रन के स्कोर पे आउट हुए। अश्विन से उम्मीद लगाई जा रही थी बट नहीं हुआ, कुछ उम्मीदों पे खरा उतरे। जडेजा भी एक बार फिर से कामयाब नहीं हुए बल्लेबाजी में। बुमराह और सिराज 0-0 पे रहे, दोनों आउट हो गए और लास्ट में कुलदीप यादव नॉट आउट रहे 6 रन पे। तो देखा जाए बॉलर्स में फिर से मैट हेनरी और विलियम रूटकी ने बढ़िया गेंदबाजी की, 3-3 विकेट लिए। इजाज पटेल ने 2, फिलिप्स ने 8, साउदी ने एक बार फिर से 1 विकेट लिया। अब स्कोर कितना बना था, स्कोर चाहिए था 107। अगर यही सऊदी और रचिन रविंद्र की फर्स्ट सीरीज में पार्टनरशिप नहीं हुई होती तो स्कोर चाहिए होता कम से कम 200-250, इंडिया फाइट कर सकती थी बट नहीं हुआ। लास्ट ओवर करवाने लगे तो क्लाउड्स आ रहे, तब इंडिया चाहती थी बॉलिंग करवाना बट नहीं हो पाया। डे फिफ्थ आया आज, जैसे डे फिफ्थ आया तो लग रहा था क्या इंडिया अच्छी बॉलिंग कर पाएगी। बुमराह ने दूसरी ही बॉल की दिन पे विकेट ले लिया बट ये काफी नहीं रहा, काफी सारा लट राइड कर रहा था न्यूजीलैंड के फेवर में। एज तो जा रहे थे बट एज निक नहीं हो रहे थे, और जो निक हो रहे थे वो सीधे पहले वन बाउंस हो जा रहा था, 2 बाउंस हो जा रहा था, तो इसलिए। और उसके बाद एक विकेट और लिया बुमराह ने बट जो उसके बाद बल्लेबाजी हुई वो हुई वन साइडेड। रचिन रविंद्र ने आया कि भाई कोई प्रेशर ही नहीं है, आते ही चौका आते ही छक्का, ऐसे बल्लेबाजी की। रचिन रविंद्र ने स्वीप मारी स्पिनर को और आर अश्विन काफी लेट आए। तो देखा जाए इस बार कप्तान के 2-3 फैसले अच्छे नहीं रहे, जैसे कि पहला बल्लेबाजी या नोवल क्लास कंडीशन में। सेकंड जो फैसला है, जब टीम सऊदी और खेल रहे थे रचिन रविंद्र तब स्पिनर से कंटिन्यू करना ना कि फास्ट बॉलर से, और लास्ट में जाके देखा जाए अश्विन को यूज नहीं किया, अश्विन को बहुत लेट यूज किया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा पहले यूज करना चाहिए था। आपकी क्या राय है, क्या भारत सेकंड टेस्ट में वापसी कर पाएगा, इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।